गाइस, मछली पालन के लिए राइस ब्रांड का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्योंकि मछली को हम लोग जो फिश फीड देते हैं उसको उसके लिए राइस ब्रांड का ज़रूरत होता है। तो मैं आज एक मील में आया हूँ जहाँ पे हम लोग राइस ब्रांड का ख़रीदारी करेंगे और आप लोगों को दिखाऊंगा भी किस तरह से राइस ब्रांड सही आप लोग पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो मैं जो राइस ब्रांड खरीदूंगा उस वीडियो के साथ सिमिलरिटी कितना है आप लोग खुद ही देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस मिल को विजिट भी करते हैं और किस तरह से राइस ब्रांड को हम खरीदते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा एक मिल। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा मिल है, साइज में बहुत ही बड़ा है। इसका स्टॉकिंग भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देख रहे हैं चावल का जो स्टॉकिंग है यहाँ पे है, मतलब ये धान है, इससे ये लोग चावल बना के सेल करते हैं। इंडिया में हर जगह इसको सेल करते हैं। और हम लोग अंदर जा रहे हैं राइस ब्रांड देखने के लिए। अगर सही रहा राइस ब्रांड तो इसी से ख़रीद लेंगे और नहीं तो दूसरा मिल में जाएंगे। आज घूमने के लिए निकले हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए धान बना हुआ है, धान से ये जो मतलब चावल बना हुआ है, चावल का बोरी जो है हम लोगों को दिख रहा है। पूरा इंडिया में ये लोग भेजते रहते हैं। तो दोस्तों, ये मिल में यहाँ पे मैंने जो एक ब्रांड जैसा दिखा तो हाथ लगाया तो ये देखा डुप्लीकेट ब्रांड है, मतलब इसमें थोड़ा सा ब्रांड है और बाकी सब छिलका विलका है, मतलब डुप्लीकेट। कई लोग इसको राइस ब्रांड समझते हैं और इसका रेट भी 16-17 रुपया किलो है, लेकिन ओरिजिनल जो राइस ब्रांड होता है उसका रेट थोड़ा हाई होता है। तो हमें यहाँ पे लाया गया है और ये राइस ब्रांड ओरिजिनल राइस ब्रांड दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो जिस काम किया इसको एक मूड बनाया, जो जैसे मैंने अगला वीडियो में बोला था, अगर आप लोग इसको हाथ में लेके एक मुट्ठी मारते हैं तो उसमें आप लोगों का उंगली का जो निशान है वो बैठता हुआ नज़र आएगा। ओरिजिनल राइस ब्रांड में ऐसा होता है, डुप्लीकेट राइस ब्रांड के साथ ऐसा नहीं होगा। जिसमें हक्स रहेगा मतलब धान का जो छिलका है वो रहेगा तो ये फैल जाएगा, उंगली का निशान इसमें बिल्कुल ही नहीं बैठेगा। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, अगर राइस ब्रांड ख़रीदते हैं तो इस चीज़ को सबसे पहले अप्लाई करें। हाथ से एक मुट्ठ बना लें, इसमें उंगली का निशान बैठना चाहिए, मतलब एक जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे उंगली का निशान जो है बैठ जाता है, इसके मतलब है इसमें अच्छा खासा तेल है, प्रोटीन है। और ये देखिए ऐसे उंगली का निशान बैठ गया है। तो दूसरा जो चीज़ है चावल, इसमें चावल का पोर्शन थोड़ा कम दिखा था, पर मैंने पूछा चावल क्यों कम है, इसमें चावल का दाना कहाँ है। तो ये लोग हमको जो दिखाया जाए यहाँ पे राइस ब्रांड गिरता है और इससे हम लोग चावल का दाना को निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाथ लगाया और चावल का दाना यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, थोड़ा फूंक मार के हम खाली निकाल लेते हैं। तो ये रहा चावल का दाने दोस्तों, चावल का दाना जो इसमें दिख रहा है। राइस ब्रांड में जितना चावल का दाना रहेगा प्रोटीन परसेंट उतना ही अच्छा रहता है, ये दूसरा एक चीज़ है। दोस्तों, चावल को जब पॉलिश किया जाता है तब उसमें से जो चावल है टूट जाता है, बहुत ज़्यादा चावल टूटता रहता है, इसीलिए राइस पॉलिश के साथ हमें चावल के दाने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस ये लोग चावल के दाने को निकाल लेते हैं, फिर राइस पॉलिश को अलग कर देते हैं। तो उस इसमें जितना छोटा छोटा ज़्यादा कण रहेगा वो शायद इसमें फंसता नहीं है, वो निकल जाता है और वो हमें राइस ब्रांड के साथ देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत चावल का दाना हमें राइस ब्रांड के साथ भी मिलेगा। ये राइस ब्रांड जो है इधर से निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको भी मैंने मुट्ठ लगा के देख लिया, इसमें मुट्ठी बनता है, उंगली का निशान आता है नहीं। तो ये देखिए ये इसमें भी उंगली का निशान बनता है और मेरे हाथ में ध्यान से देखेंगे तो उसमें तेल के कारण राइस ब्रांड जो है बहुत चिपका हुआ नज़र आता है। तो ये राइस ब्रांड हमें पसंद आ गया, तो इसीलिए इनके पास से हम लोग राइस ब्रांड को ख़रीद लिए और इसका जो लोडिंग हम लोग कराएंगे, अपना गाड़ी वाड़ी लगा हुआ है साइड में। तो दोस्तों, अगर आप लोग राइस ब्रांड ख़रीदना चाहते हैं और राइस ब्रांड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत करके मेरा पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी मैंने दे दिया है, इसलिए वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीन में इसका थंबनेल मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये रहा वो थंबनेल।
इससे आप लोग बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ ख़रीदने आया था, किस तरह से ख़रीदता हूँ ये चीज़ दिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया, और कुछ नहीं। आप लोग भी कभी राइस ब्रांड ख़रीदने जाते हैं तो मिल में इसी तरह से सारा चीज़ देख के ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस मिल से राइस ब्रान खरीदना चाहते हैं तो इसका एड्रेस मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये वेस्ट बंगाल रायगंज उत्तर दिनाजपुर में है, और मैनेजर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे नाम पे ही उनका नाम है, तो नंबर और उनका नाम मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग उनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग इसका वज़न करेंगे, कितना वज़न हो गया इसके बाद चले जाएँगे हम लोग अपना प्रोजेक्ट में। तो मैं इसको लोडिंग के बाद आप लोगों को साथ दिखा देता हूँ। अपना लोडिंग जो है हो चुका है, और यहाँ पे इसका वजन किया जा रहा है, कितना क्विंटल हुआ है, कितना टन। तो यहाँ से एक टन ख़रीदा हमने, ये हो गया अपना सब कुछ, अभी हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों, अपना प्रोजेक्ट में हम लोग चले आए हैं, और इसी राइस ब्रान से हम लोग फिश फीड बनाते हैं। तो सही राइस ब्रान ख़रीदना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मछली में दिक्कत हो सकता है। अगर हक्स अगर हम लोग ज़्यादा खिलाते हैं तो मछली का मुंह के आसपास जो ना घाव बन जाता है। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया था, सही से आप लोग राइस ब्रान खरीद सके, सारा जानकारी आप लोग देख सके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ।